नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, कल आपके जो SSC 10+2 का 9 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रथम प्लस द्वितीय पारी का मैंने वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। उस समय थर्ड सेट के क्वेश्चन नहीं मिले थे, अभी इस थर्ड सेट के सारे जीके के क्वेश्चन मिल चुके हैं। 25 में से 22 क्वेश्चन हूबहू मिल चुके हैं। और यहाँ पर हमेशा मेरा दावा रहता है, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। और आज जिन भी कैंडिडेट का पेपर था, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके सेट में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9 जुलाई के थर्ड सेट में जीके के कौन से क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए थे। बाकी इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, 1979 का विश्व कप किसने जीता है? तो 1979 का जो क्रिकेट विश्व कप है ODI का, वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। और सबसे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। उसके बाद 1983 में हुआ, भारत ने जीता। उसके बाद 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 1992 में पाकिस्तान ने जीता था, 1996 में श्रीलंका ने, और फिर लगातार 3 विश्व कप 1999, 2003, 2007 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और 2011 का भारत ने जीता है, 2015 का ऑस्ट्रेलिया ने। इस प्रकार सबसे ज़्यादा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, 99, 2003, 2007, 2015 और 1987। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉर्ड डर्बी कप है ये दोस्तों रग्बी लीग का कप है। और इससे पहले एक बार रेलवे में क्वेश्चन आया था, रग्बी लीग में टोटल कितने प्लेयर खेलते हैं? तो 13 प्लेयर होते हैं एक टीम में। बाकी रग्बी यूनियन की बात करें तो 15 प्लेयर होते हैं एक टीम में। एक क्वेश्चन था, रिसेट टू बी को प्रक्षेपित करने वाला व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल पूछा है आपको। रिसेट टू बी जिसका लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल 2009 को, और इसका प्रक्षेपण किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल CA के द्वारा। रिसेट का मतलब है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था जिसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं था वो करेक्ट था। और एक क्वेश्चन था, लडार या फिर लिडार की आपको फुल फॉर्म पूछी थी, तो लडार की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लिडार की बात करें तो LIDAR की फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक क्वेश्चन था, 17 जून 2019 को ISI के नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो ISI ये पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यानी गुप्तचर इंटेलिजेंस सेवा है। तो इनके जून 2019 में नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं फैज हमीद को। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं तो इनकी ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आपको पता है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट का मतलब है यहाँ पे बंगाल के ये प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल का पद आया था, तो रॉबर्ट है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम है वो हेस्टिंग है। कौन है? हेस्टिंग है, से हेस्टिंग है। विलियम की मौसी गवर्नर जनरल के बाद जो गवर्नर रहा वो भारत का गवर्नर जनरल था, तो विलियम का मतलब हो जाएगा विलियम बेंटिंक। उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद वायसराय का पद आया, तो भारत के पहले वायसराय है कैनिंग, विलियम की मौसी की यानी कैनिंग है। और मौ का मतलब है माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी का मतलब है सी राज गोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये ट्रिक आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, जिसमें से अलकनंदा करेक्ट हो जाएगा, बाकी 3 नदियाँ नर्मदा कावेरी गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इस कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी जिसका उद्गम की बात करें तो कर्नाटक में कोगदू जिले के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती हैं आपकी कावेरी। नर्मदा नदी यहाँ पे ये अमरकंटक पहाड़ी अमरकंटक पठार है MP से निकलती हैं। और अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे महानदी कृष्णा तापी ये भी प्रायद्वीपीय हैं। बाकी जो ऑप्शन में आपके अलकनंदा था ये प्रायद्वीपीय नहीं है, ये नदी उत्तराखंड में संतो पंत नामक हिमनद से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का ब्रज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो ये साइट पूछा था, ब्रज होम साइट है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है कश्मीर वैली श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, ब्रज होम पुरातात्विक स्थल। अगला है, भारत में कहाँ पर एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध सेंटर ये खुल रहा है? तो पटना बिहार में खुल रहा है एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध
सेंटर। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है, और भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए ये अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारी शक्ति, वो अनुच्छेद 53 में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है दोस्तों दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एक्साइल। एक और बुक्स का था द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो ये दो बुक्स थी, अरुंधति रॉय हैं एंड ऑफ इमेजिनेशन के ऑथर, और फ्रीडम इन एक्साइल है ये दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी। अष्टमुडी झील है ये किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अष्टमुडी झील है केरल राज्य में, कल्लड़ा नदी पर है ये, और इसका आकार 8 भुजाओं वाला है, जिस कारण इसका नाम पड़ा है अष्टमुडी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न कंपनी पर आपका एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन था। तो भारत में 3 प्रकार की कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनी, महारत्न है, मिनी रत्न है। तो वर्तमान में भारत में टोटल 8 तो महारत्न कंपनियां हैं, 16 नवरत्न कंपनियां हैं, और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो ये इनके बेनिफिट, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर कंपनी डिफाइन की जाती है कि कौन सी कंपनी किस श्रेणी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो कर्मचारी भविष्य निधि है, इससे एक प्रश्न था, ये भी मालूम नहीं है एग्जैक्ट क्या था। तो इन दोनों क्वेश्चन का यदि आपको मालूम है क्या पूछा गया था तो कमेंट करके बता सकते हो। तो ईपीएफ की बात हो रही है, जो भी कर्मचारी हैं उनके जितनी भी इनकम होती है पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज हिस्सा प्लस जो डीएनएस अमाउंट है वो काट लिया जाता है, और बाद में जब उनकी सेवानिवृत्ति होती है तो एक साथ ये उनको रकम मिलती है। इनमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, मूल वेतन का 12% प्लस डीए काट कर जमा किया जाता है। और यदि आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था आपके ब्याज दर से, तो 2018-19 में जो वर्तमान ब्याज दर है ईपीएफ की वो है 8.65%, और जो आपके लास्ट ईयर की थी 2017-18 की वो थी 8.55% ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट। हीराकुंड बांध किस नदी पर, ये क्वेश्चन था। तो हीराकुंड बांध ये ओडिशा में है, महानदी पर निर्मित एक बांध है, जो कि 1957 में महानदी पर निर्मित ये बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। सबसे लंबा बांध है संसार का, 25.8 किलोमीटर की लंबाई है। और सरदार सरोवर जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये गुजरात में, और सरदार सरोवर के बाद यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो ये है दोस्तों 305 मीटर है जिनपिंग आई डैम, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट है 260.5 मीटर, ये भागीरथी नदी पर है। बहुत बार क्वेश्चन आता है टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध है दोस्तों नर्मदा नदी पर, जिसकी हाइट है नीव सहित 163 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? तो भगवत गीता को 1785 में सबसे पहले चार्ल्स विलिंगिस ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी आईपीएल टीम नहीं है? तो आपकी एक कबड्डी की टीम दे रखी थी तेलुगु टाइटन्स, ये आईपीएल टीम नहीं है। और अभी तेलुगु टाइटन्स के कप्तान है विशाल भारद्वाज हैं। और बात करें जो आपके प्रो कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था 2018 में, तो उनमें विजेता रही थी बेंगलुरु बुल्स। अभी 20 जुलाई से होने जा रहा है 2019 का। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर हैं एमए अयंगर हैं, 1952 से 1956 तक। और प्रथम स्पीकर की बात करें लोकसभा की, तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। और एक आपके इस टाइप से रीजनिंग का क्वेश्चन था, बकरी गाय भैंस भेड़िया में विषम क्या होगा? तो भेड़िया हो जाएगा, बाकी तीनों ये दूध देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, नेत्र में आंसुओं के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे कल, एग्जैक्ट नहीं मिले थे। तो नेत्र में आंसुओं के लिए जो ग्रंथि है वो लैक्रिमल ग्लैंड है। और एक क्वेश्चन था आपके, एमपी की कौन सी सिटी में अधिकतम 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नोट किया गया है अभी? तो ये दोस्तों है सिटी आपके खारंगोन, खारंगन सिटी है, इसमें आपके 46.6 डिग्री, जो कि विश्व का उस दिन अधिकतम तापमान था, वो नोट किया गया था। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भी एक क्वेश्चन था आपके प्रथम या सेकेंड शिफ्ट में था कल का। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो बिट है, और एक जो आपके बाइट होती है उसमें 8 बिट्स होती हैं।
और दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, यदि आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो 2019 और 18 में टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, जो अब की बार हूबहू रिपीट हो रहे हैं मैथ्स और जीके के पैटर्न पर। आप यहाँ पे देख सकते हो सीजीएल 2019, जीडी 2019, एसएससी सीपीयू 2019 है, 10+2 2018 और एमटीएस 2017। इन सभी पाँचों एग्जाम के आपको ऑफिशियल पेपर यहाँ पे डिस्काउंट डील के तहत 60 रुपये में मिल रहे हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट लिंक है, पेमेंट होने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। इस टाइप से आप रेलवे के ऑफिशियल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें रेलवे के सातों एग्जाम जो 2018 में हुए हैं और कुछ 2019 में हुए हैं, जैसे ग्रुप डी 2018 135 शिफ्ट, ALP CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड, RPF SI, कांस्टेबल, ट्रेडमैन, NTPC, इन सातों एग्जाम के पेपर डिस्काउंट डील के तहत 85 रुपये में मिल रहे हैं। सेम यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पेमेंट का यही व्हाट्सएप नंबर रहेगा आपका। तो दोस्तों मिलता हूँ आज के नेक्स्ट एग्जाम की शिफ्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने क्वेश्चन है वो जरूर कमेंट कीजिए आज यदि आपका एग्जाम था। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में, बाय।